व्यूअर्स, इस बसंत पंचमी पर बनाना सीखेंगे मीठे चावल। मीठे चावल बनाने में अक्सर प्रॉब्लम आती है कि चावल कच्चे रह जाते हैं या चिपचिपे बनते हैं, दाना बिल्कुल खिला खिला नहीं बनता। बहुत आसान तरीके से बनाना सीखेंगे मीठे चावल, वो भी कुकर में, और फिर भी चावल बनेगा बिल्कुल खिला खिला और टेस्ट में होगा बिल्कुल ज़बरदस्त। मैं पारुल जिंदल स्वागत करती हूँ मसाला सर्कल में, जहाँ टेस्ट भी और हेल्थ भी। जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कटोरी ली है और इसी से सारी चीज़ें हम नाप कर डालेंगे। आप कोई भी कप या कटोरी ले लीजिए, जिससे सारी चीज़ें एक समान नाप कर लेंगे। और इसी कटोरी से ले लेंगे बासमती चावल। मैंने यहाँ पर ये लंबा वाला चावल यूज़ किया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसे अच्छे से 2 से 3 बार पानी से निकाल दूँगी और साफ पानी में इसे भिगो कर रख देंगे। 2 घंटे से ज़्यादा नहीं भिगोएंगे। ज़्यादा भिगोने से चावल बहुत जल्दी पक जाएगा और फिर मैशी सा हो जाएगा। और भिगोए हुए चावल को एक साइड में रख देते हैं और अब शुरुआत करते हैं चावल बनाने की। सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, थोड़े से काजू, चिरौंजी, पिस्ते कटे हुए, थोड़ी सी किशमिश दाना और सूखा नारियल, जिसको मैंने पतला पतला स्लाइसेस में काट लिया है। ज़रूरी नहीं है कि मीठे चावल में ड्राई फ्रूट्स डाले जाएं, पर थोड़ा सा स्वाद अच्छा आता है इसलिए मैंने यहाँ पर लिए हैं। आपके घर में जो भी अवेलेबल हैं या फिर जो आपको पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं। हो सके तो ये नारियल की सेविंग्स को ज़रूर डालिए, इससे मीठे चावल में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। आज खास बात यह है इस पुलाव की कि हम इसे कुकर में बनाने वाले हैं और फिर भी हमारा चावल बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और बिल्कुल भी गीला सा नहीं रहेगा, एक एक दाना खिला खिला बनेगा। सबसे पहले ले लेंगे 1 बड़ा चम्मच घी। हो सके तो मीठे चावल घी में ही बनाएं, घी का स्वाद मीठे चावल में बहुत ही बढ़िया आता है। और इसमें आप सूखे नारियल के टुकड़े और काजू को अच्छे से भून लेंगे। नारियल की शेविंग्स और हमारे काजू अच्छे से भुन गए हैं, तो अब इसे निकाल लेते हैं। फिर से 1 बड़ा चम्मच घी डाल लेंगे। अभी कुकर काफ़ी गर्म है तो मैंने यहाँ पर गैस को बंद कर दिया है। अब इसमें थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे, जिससे चावल का फ्लेवर बहुत बढ़िया आने वाला है। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ इसमें 1 तेज़पत्ता, 2 हरी इलायची ली हैं जिसे मैंने बीच में से खोल लिया है, 4 यहाँ पर काली मिर्च के दाने लिए हैं और 2 लौंग, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, और डाल देंगे इसमें 1 चक्रफूल। अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें डाल देंगे सबसे आखिर में 1/2 चम्मच सौंफ। और अब मैंने यहाँ पर गैस को जला लिया है। अब यहाँ पर लो फ्लेम पर इन मसालों को कुछ सेकेंड्स के लिए भून लेंगे और इन मसालों का चावल में जो है बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, तो आप ज़रूर डालें। मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब मैंने ये भिगोए हुए चावल हैं, इनका पानी निकाल दिया है और इस घी में इसे डाल देंगे। और अब कुछ सेकंड्स के लिए घी में और मसालों के साथ चावल को भुनने देंगे। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करना है और बहुत हल्के हाथ से चलाना है, जिससे कि चावल टूटे ना। चावल बढ़िया से भुन गए हैं, तो अब इसमें डाल देंगे उसी कटोरी से 2 कप पानी। तो 1 कप चावल के लिए मैंने यहाँ पर पूरी 2 कटोरी भर के पानी लिया है। जैसा कि हम नॉर्मल चावल बनाते समय ढक्कन लगा देते हैं, लेकिन हम यहाँ पर चावल को 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छे से उबलने देंगे, क्योंकि मीठे चावल को अगर आपने चीनी डालने से पहले पकाया नहीं तो बाद में ये बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। चीनी डालने से पहले चावल को पकाना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर घड़ी के हिसाब से 2 मिनट के लिए इसे पका लिया है और अब इसमें डाल देंगे चीनी को। तो मैं यहाँ पर उसी कटोरी से 1 कप चीनी ले रही हूँ। अगर आप कम खाते हो तो थोड़ी सी चीनी इसमें कम कर लीजिए, अगर ज़्यादा खाते हो तो थोड़ी सी चीनी को बढ़ा लीजिए। चीनी से पहले चावल का पकना बहुत ज़रूरी है, अगर हम इसमें डायरेक्ट चीनी डाल देते तो चावल कच्चा रह जाता। और यहाँ पर डाल देंगे आप थोड़ा सा कलर के लिए केसर वाला दूध। 1/4 गुनगुने दूध में मैंने यहाँ पर कुछ केसर के धागे डाल दिए थे, जिससे ये पीला रंग आ गया है। अगर थोड़े ज़्यादा पीले चावल बनाना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें भुने हुए ड्राई फ्रूट्स, गोला और काजू को डाल देंगे और बाद बाकी के ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाल देते हैं। तो मैंने किशमिश, पिस्ता और चिरौंजी को डाल दिया है।
और अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर कुकर के ढक्कन को लगा देंगे और हाई फ्लेम पर एक सीटी आने देंगे। ये देखिए कुकर में एक सीटी आ चुकी है और अब इसकी गैस ऑफ कर देंगे और इसकी जो गैस है उसे खुद ही रिलीज़ होने देंगे। और जब इसकी गैस पूरी तरीके से निकल जाएगी तब इसे खोलेंगे। गैस पूरी तरीके से निकल चुकी है तो अब इसको खोलकर चेक कर लेते हैं। ये देखिए चावल पूरी तरीके से पक गया है। जब चावल के सिरे ऊपर की तरफ आ जाएं तो समझ लीजिए चावल बहुत बढ़िया से पका है। चावल को हमेशा साइड से पतले किनारे के चम्मच से ही चलाना चाहिए, इससे चावल बिल्कुल भी टूटता नहीं है। और यहाँ देखिए पानी बिल्कुल भी नहीं है, चावल बिल्कुल एक एक दाना हो गया है, बिल्कुल खिला खिला बना है और बिल्कुल भी चिपका नहीं है। अगर आपने बाज़ार में कभी मीठे चावल खाए हैं तो उसमें थोड़ी सी खुशबू आती है, तो जो हलवाई हैं वो उसमें थोड़ा सा केवड़ा एसेंस मिलाते हैं। अगर आप भी अपने मीठे चावल को खुशबूदार बनाना चाहते हैं तो 1 से 2 ड्रॉप केवड़ा वाटर की इसमें सबसे आखिर में डाल दें। ये देखिए बिल्कुल बना है ना एकदम खिला खिला हमारा पुलाव। सही मेज़रमेंट और इस मेथड के साथ बनाएं ये खिले खिले मीठे चावल। इस बसंत पंचमी नहीं हर रोज़ बनाएं ये मीठे चावल। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें।